बात करते हैं, आपकी जो सोच, आपकी जो फिक्र है, और अगर पंजाब असेंबली के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, और आप जब आपकी बात सुनते हैं, आप आगे निकलने के मौके मिलते हैं, आपका नाम आगे जाता है, आप कमेटियों में आते हैं, आप वजीर बनते हैं, वजीर आला बनते हैं। जब हम घर बैठे इस चीज का फैसला कर लेंगे, वो जिस तरह होता है ना कि घर को रिश्ता लेके जाए तो कोई कहता नहीं, तो बंदे नीचे गिरेंगे। पहले हम फैसला कर लेते हैं, लोग नहीं इस समय घर नहीं जाने। ये जब तक हम इस चीज में आएंगे नहीं और अपना रास्ता खुद नहीं बनाएंगे, खुद नहीं निकालेंगे, तो हम किसी ने आने नहीं देना। मैं इलेक्शन लड़ा 2002 में पूरे घोषणा बने के लिए, मैं अकेला के लिए तो मुस्लिम लीग में था, पूरे रीजन में छह जिला में, और लोग मुझे इस तरह की इजाजत देते थे। मैंने अपोजिशन में होने का कोई मुआवजा नहीं किया, मैंने अपनी जेब से एक गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है और हमने कानून बनाने हैं। कुछ कमेटियों के हेड चीफ मिनिस्टर पंजाब की है, उसमें से कमेटी है जिसमें वजीर आला पंजाब खुद है, एक कमेटी है जिसके मैं चेयरमैन हूँ। पंजाब असेंबली में हर कमेटी में जो है वो एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है, मैं दो स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर, एक तो अश्योरेंस कमेटी है, और वो जो अश्योरेंस कमेटी है वो ऐसी कमेटी है जो वजीर आला जो हौसला पंजाब असेंबली में जो वादा करे खड़े होके उसको सिलसिले में गुमान अच्छा रखे और खुद लिखे। और पिछले इलेक्शन में 2008 के इलेक्शन में मेरे साथ जो कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, ये मैं एक बात इधर आपको बताऊँ कि इलेक्शन था और मेरा हल्का 123 है, 122 के अड्डे से बरादरी हमारी बहुत है हल्का 122 में, एक फनाब है वो मुगल बरादरी का मुखालफत कर रहा है, मुश्किल है राहत है, तुम ये है कि उसको बुलाओ, उसको कहो कि मेहरबानी करें। पहले कभी इस तरह की बातें नहीं आज से पहले कि किसी ने कहा अजय मुगलान को बहुत जरूर बात करो, और ये मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको वो अपने इलाके में लाया था, इसलिए उनको मैंने कहा आपकी तरफ से आवाज मुस्बत आनी चाहिए। मैंने कहा कि आज ही मैं रस्ता करवाता हूँ और मैं इस चीज पर मतलब बता दूंगा, मैं आपके साथ मुझे इस चीज का भी फखर है कि सियालकोट शहर से जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ा, यह हल्का नंबर है 110, कोई भी मुगल बरादरी का बंदा